बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीना बाजार हजरो जी, इधर मुकद्दस पीको है, इन को वहने आज इन्होंने पूछना क्या जाए निज़ाम पर चल ई शॉप पे जी दे पीको ना कम साढ़े इलाके सिर्फ ये वायद है लेडीज जड़े पे पीको ना कम करने बाजार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसी तबीयत है? ठीक है। कारोबार कैसे है? कारोबार बिल्कुल खत्म हो गए हैं महंगाई की वजह से। तो क्यों को कस्टमर कम आते हैं? जहाँ लोगों को आजकल महंगाई इतनी है, रोटी दाल पाने की पड़ गई है। जो लोग 10 कपड़े सिलाते थे, आज वो 2 सूट सिलाते हैं। जो 2 सूट सिलाते तो वो 1 सिलाता है, जो 1 सिलाता है वो सिर से गायब है। गायब ही हो गया। तो अभी यहाँ काम नहीं है ना? कुछ लोग जो है ना, काम है ही नहीं है, महंगाई इतनी है। इन 4 बड़े लीडरों की वजह से अवाम पिस रही है। अवाम का ध्यान इन लोगों ने किया हुआ आटा दाल। कोरोने में बिल इन लोगों ने भेजा 5,000। अच्छा अच्छा, माफ किया इन लोगों ने। दोबारा इन लोगों ने बिल दूसरे महीने लगा के दिया, मैंने वो दोबारा अदा किया। अदा करने के बाद 6 महीने के बाद दोबारा मुझे वो बिल भेज दिया। अब मैं रोज वापता के दफ्तर जा रही हूँ। वो कहते हैं ये बिल नहीं पे हुआ। उनको पूरे 2 साल के मैं जमा हुए बिल अदा हुए बता रही हूँ, मगर वो जो 4,500 रुपए मैं वो नहीं मान रही। यकीन माने मैं अटक तक गई, यहाँ तक गई। मैंने कहा मीटर पे ना रीडिंग करने दूंगी, ना मीटर चेक करने दूंगी, ना पैसे दूंगी। मगर यहाँ वाले कहते हैं सबूत है, हुकूमत सबूत मांग की है ना, सबूत है, सबूत के बहस पे क्यों नहीं मैं मेरा बिल ठीक किया जा रहा। मेरा बिल नहीं ठीक कर रही, मेरा बिल नहीं सही बात है, मजाक नहीं। मेरे पास सबूत पड़े हुए, यही पड़े हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास पूरे ये अल्लाह वादा, जहाँ हम लोग सैलरी करते थे 2,000-3,000, आज हम 500-600। आप ये बताएं, जो बंदा दिहाड़ वाला 700 रुपए कमाता है, वो बंदा अपने घर में घी की थैली लेके जाएगा, आटे का थैला लेके जाएगा, या आलू प्याज लेके जाएगा? कुछ सोचो खुदाया, बिजली सस्ती करो, गैस सस्ती करो। गरीब लोगों के कई घरों पे छतें नहीं है, वो किराए देंगे, रेंट देंगे के दुकानदारों के रेंट देंगे, या आलू दाल पानी पूरा? वैसे कहते हैं ये हुक्मरान कहते जी अवाम के गए सुनते, खुदकशियाँ क्यों नहीं होगी, चोरियाँ क्यों नहीं होगी? चोरियाँ इसी वजह से होगी, खुदकशियाँ होंगी, एक घरों में कत्लो घर की होगी, इस वजह से महंगाई क्या? हमारे हुक्मरान हमारा ख्याल करें। देखिए आपकी अवाम इस टाइम कितनी मुसीबत में है। इन लोगों के घरों में सब सूलते हैं, बिजली गैस पानी, क्योंकि इनके पास पैसा, इनको असर नहीं पड़ता। गरीब लोगों के, गरीबों पे असर पड़ता है, बड़ों पे नहीं पड़ता। बड़ों तो आजकल आपका काम जो है, बैठे हुए देख लें, ये देख लें बैठे हुए बेरोजगारी ज्यादा है। हाँ जी। तो ये किराया कितना है इसका? 12,000 किराया। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का 4,000-5,000 रुपए, धागा 10,000 रुपए, और फिर जो मेरे पास का कारीगर है आखिर 700 से उसका क्या बनता? मुझे ये बताओ उसको क्या दूं? जो काम ना उसे क्या दूं और घर क्या लेके जाऊं? बिल्कुल, सोचे हर बंदा सोचे। मैं कहती हूँ हर बंदा एक दूसरे का ख्याल करे और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, गरीब का ख्याल करे। जबरदस्ती, बड़ी मेहरबानी। मैं यही कहना चाहती हूँ। और अगर आपके पास आले दुआले कोई सही खाते पीते लोग हैं, अपने आले दाले वाले लोगों को, गरीबों का एहसास करें, ख्याल करें। लाजमी नहीं कि आप अपने बहन भाइयों को देखो। देखो आम साथ आपका पड़ोसी भूखा रह रहा है, उसके घर कुछ दो। कोई ऐसा मरीज एहसास करना चाहिए, ऐसा मरीज है जिसको दो। उल्टा हमारे खान साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि गरीबों को रिलीफ दी थी कि इलाज करवाने के लिए। खदाया मरियम बीबी, ख्याल करो, गरीब कहीं मर जाएंगे तो ये आप उसका कोटा बंद करने लगे। आपके कौन सी जेब से जाना है? जाना तो हुकूमत की, तो गरीबों को बीमारी से मत रोको, वो तो इलाज करा ले फ्री। मैं मरियम साहब को भी कहना चाहूँगी। बड़ी जी, जबरदस्त। ठीक है जी, ओके।